हेलो हाय नमस्ते टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। हियर आई एम डॉक्टर वंदना गुप्ता और अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पर 15 तक हमने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन करा दिया था, सॉल्व करा दिया था। 16 से हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, तो जल्दी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। और आज हम कुछ आपको ब्लड के भी क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि ब्लड से जितने भी क्वेश्चन मोस्टली बन सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको सॉल्व करवा देंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ में शेयर भी करते चलिएगा। ओके, तो 16 क्वेश्चन है कि हाँ, प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए ग्रामीण स्तर से प्रारंभ होना चाहिए, या फिर सुसंगठित होना चाहिए, सरकार का सहयोग होना चाहिए, या फिर पर्याप्त निधि होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक्सटेंशन प्रोग्राम है, वो आपको प्रभावी बनाना है और वास्तविक प्रसार करना है आपको, तो उसके लिए आपको इसे किस तरीके से करना है, ग्रामीण स्तर से स्टार्ट करना है, या फिर इसे बहुत सुसंगठित रूप में करना है, या फिर सरकार का सहयोग ले करके करना है, या फिर पर्याप्त निधि में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि ग्रामीण स्तर से प्रारंभ करना है। यानी कि देखिए, पहले बात तो जो प्रसार शिक्षा होती है वो आपके गाँव के लेवल पे होती है, विलेज स्तर पर ही देखिए की जाती है इसको, ठीक है, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ही है कि गांव के स्तर को ऊंचा उठाना, वहां के लोगों को शिक्षित करना और मतलब पूरी तरीके से उनको डेवलप करना, उनका विकास करना। तो इसको अगर आप ग्रामीण स्तर से प्रारंभ करते हो तो ये चीज ज्यादा बेस्ट होती है, ज्यादा प्रभावी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की जो रेशे की योग्यता है वो क्या कहलाती है? लचीलापन कहलाती है। लचीलापन को हम इंग्लिश में कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, प्रत्यास्थता इसको हम कहेंगे रेजिलियंसी, रेजिलियंसी, ठीक है। और तन्यता इसको हम कहेंगे टेनेसिटी, और घनत्व का मतलब है डेंसिटी। तो चलिए इससे बताइएगा कि अगर हम किसी भी रेशे को दबाते हैं, मोड़ते हैं, उसको उसमें सिकुड़न लाते हैं, सिकोड़ते हैं, तो उसके बाद में वो अगर पुनः अपने आकार में आ जा रहा है तो उसकी ये योग्यता क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा प्रत्यास्थता, यानी कि रेजिलियंसी इसको कहते हैं। लचीलापन का मतलब है कि कितना फ्लेक्सिबल है रेशा, ये इस पर डिपेंड करता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे, लचीलापन बोलेंगे। और टीनेसिटी का मतलब है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यानी कि किसी भी रेशे को अगर आप खींचते हो दोनों कोनों से, उसको पकड़ करके खींचते हो, तो वो जो है कितने मतलब वो जल्दी अगर नहीं टूटता है तो वही चीज आपका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहलाता है। यानी कि जो उसकी टूटने की मजबूती है कि जल्दी जो रेशा नहीं टूट रहा है, तो वो चीज की टिनेसिटी कहलाती है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहलाती है, डेंसिटी तो घनत्व तो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? वानस्पतिक तंतु, यानी कि जो वेजिटेबल फाइबर्स हैं वो कम प्रभावित होते हैं, या फिर पुनर्निर्मित सेलुलोज तंतु, ठीक है, रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर्स, या फिर जो है एनिमल फाइबर्स, या फिर संश्लेष्ट, यहां पर कहा गया ये इसका मतलब है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। तो बताइएगा इनमें से जो है कौन सा ऐसा फाइबर है, तंतु है, जो कि कीड़ों और फफूंदी से जल्दी प्रभावित नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जो कि मैनमेड होते हैं, तो ये जल्दी कीड़ों और फफूंदी से प्रभावित नहीं होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है किस पर केंद्रित है? बताइएगा एक बार कि साक्षरता पर केंद्रित है, या फिर संवर्धन पर केंद्रित है, या फिर आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास पर केंद्रित है, या फिर उपरोक्त सभी होगा। तो ये जो है आपका प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, तो ये एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, जिसका कि अगर हम फुल फॉर्म बोलें तो इसको शॉर्टकट में पहले देखते हैं, इसको बोलते हैं NAEP। अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो इसको बोलते हैं नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, ये NAEP का फुल
फॉर्म है, नेशनल एजुकेशन एडल्ट प्रोग्राम, या फिर अगर हम हिंदी में चाहें तो इसको बोल सकते हैं राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, अब इसका जो ईयर है कब से ये स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है आपका 2 अक्टूबर 1978 से, क्योंकि देखिए एग्जाम ये ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी याद करना जरूरी है कि कब से ये स्टार्ट हुआ है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, 2 अक्टूबर 1978 से। ठीक है, और इसमें एज ग्रुप ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एज ग्रुप इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो एज ग्रुप होते हैं 15 से 35 साल के जो एडल्ट इलिटरेट होते हैं यानी कि वयस्क अशिक्षित हैं वो आ जाएंगे इसके अंदर में, इलिटरेट एडल्ट इलिटरेट यानी कि 15 से 35 साल के जो वयस्क व्यक्ति हैं जो कि अशिक्षित हैं तो वो इसके अंदर में आ जाएंगे। और इसका ईयर पता चल गया आपको, एज ग्रुप पता चल गई, ठीक है, और फुल फॉर्म भी पता चल गया, फुल फॉर्म भी जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है फुल फॉर्म भी। अब यहाँ पर अब इतना सब कुछ तो समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा आपको इलिटरेट के लिए, तो इसका मतलब है कि ये किस पर केंद्रित है, साक्षरता पर, एजुकेशन पर, लिटरेसी पर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि धन समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है, कब होती है, जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, या फिर तृतीय अवस्था में, या फिर सभी में। तो जो मनी, टाइम और एनर्जी तीनों की ही सबसे अधिक जरूरत किस अवस्था में होती है, तो देखिए जो आपका ये प्रथम अवस्था है इसको बोलते हैं इंग्लिश में बिगनिंग स्टेज, बिगनिंग पीरियड, ठीक है, या फिर इसको एक और टर्म कहा जाता है पीरियड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ओके, फिर इसके बाद में जो द्वितीय अवस्था होती है उसको बोलते हैं एक्सपैंडिंग स्टेज, एक्सपैंडिंग पीरियड कह सकते हो, स्टेज बोल सकते हो, ठीक है। फिर जो तृतीय अवस्था होती है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग पीरियड, तो ये तीनों अवस्थाओं के नाम हैं, ठीक है। जो बिगिनिंग स्टेज होता है जिसे कि पीरियड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है कि जब ये एक फैमिली अपना परिवार स्थापित करते हैं, यानी कि जब दो व्यक्ति एक लड़का और एक लड़की, एक मेल और एक फीमेल, जब उनकी मैरिज होती है तो फिर वो बिगिनिंग पीरियड होता है यानी कि स्टार्टिंग फेज होता है, ठीक है। उस टाइम पर सिर्फ दो ही व्यक्ति होते हैं, तो अब चूंकि पहली अवस्था में सिर्फ दो ही लोग हैं तो बहुत ज्यादा धन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा समय की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा शक्ति की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो द्वितीय अवस्था है इसमें क्या होता है, शादी के बाद में अब बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। अब जब बच्चे आ जाएंगे तो धन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब बच्चे हैं उनका पहली बार जब प्रेगनेंसी के टाइम पर भी हर एक चीज की दवा है और खाना पीना, भोजन पर ध्यान देना, ठीक है, दवाओं पर खर्च करना, हॉस्पिटल का खर्चा, उसके बाद में बच्चे अब बड़े होंगे तो इन्फेंसी एज में, फिर जो है चाइल्डहुड एज में, फिर एडोलसेंस, फिर एडल्ट, तो क्या होगा कि अब हर एक में पहले बच्चा स्कूल जाएगा, फिर कॉलेज जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी जाएगा, तो धन की भी जरूरत पड़ेगी, समय की भी जरूरत पड़ेगी और साथ साथ में शक्ति की भी जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये इसी वजह से इसको एक्सपेंडिंग पीरियड बोला जा रहा है, क्योंकि अब ये एक्सपेंड कर रहा है, ठीक, सिर्फ पहले दो लोग थे, अब उनके बच्चे होंगे, अब बच्चे एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो अब फैमिली एक्सपैंड कर रही है, इस वजह से इसको एक्सपेंडिंग पीरियड बोलते हैं। फिर तृतीय अवस्था आ जाती है, तृतीय अवस्था में अब क्या होगा, जो बच्चे थे, बच्चे हुए थे, अब वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है, अब वो जो है पढ़ करके अब वो जॉब करने लगेंगे, वो सेटल हो जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि अब वो मम्मी पापा के साथ में ही रहें अपने, वो कहीं और जहाँ उनकी जॉब लग गई अब वहीं पर वो शादी कर लेंगे अपने, वहीं पर अपना इकोनॉमिकली वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कॉन्ट्रैक्टिंग पीरियड इसी वजह से बोलते हैं, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड बोलते हैं। और इसमें जो है कई सारी तृतीय अवस्था जो है इसके अंदर कई सारी अवस्थाएं आ जाती हैं आपका, इसमें जो है ये रिटायरमेंट पीरियड भी आता है, क्योंकि जो अब मम्मी पापा थे अब वो अगर जॉब में हैं तो वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं तब भी जो है अब वो चीज़ें बंद हो जाएगी क्योंकि अब बच्चे संभाल लेते हैं। तो इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा अब इस टाइम पर उतनी ज़्यादा मतलब क्योंकि बच्चे अब धन वगैरह खुद कमाने लगे हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है।
तो सबसे ज्यादा ये रिक्वायरमेंट कब है? द्वितीय अवस्था में इन तीनों ही चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब आते हैं फिर इस क्वेश्चन पर कि विशिष्ट विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? एक्जिमा कहलाती है, एलर्जी कहलाती है, फिट्स कहलाती है या फिर टिटनेस कहलाती है? तो देखिए, विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया का मतलब है कि किसी स्पेशल जो है मटेरियल है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, खाने पीने का हो सकता है या फिर कोई वस्तु हो सकती है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, तो उसके प्रति जो हमारे ऊतक स्पेशली उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं एलर्जी। ठीक है, अब एलर्जी में क्या होता है, कभी आपने सुना होगा किसी को खाने पीने में किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी हो जाती है, किसी किसी को मूंगफली से एलर्जी होती है, किसी को सोयाबीन से एलर्जी होती है या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि बेसन से एलर्जी हो जाती है, तो बहुत ऐसे पर्टिकुलर को किसी भी व्यक्ति को किसी भी एक विशिष्ट पदार्थ से एलर्जी हो सकती है। और जब भी अगर वो बाय चांस ने गलती से अगर वो प्रोडक्ट खा लिया तो क्या होता है, उसके उनके जो शरीर के ऊतक हैं उसके प्रति प्रतिक्रिया करने लगते हैं जिसको कि एलर्जी बोलते हैं। बहुत लोगों को धूल से एलर्जी होती है, तो कुछ भी हो सकता है, खाने पीने की वस्तु भी हो सकती है या कुछ कोई अदर भी वस्तु हो सकती है। और जो यहाँ पर एक्जिमा है, एक्जिमा का मतलब होता है हमारे स्किन पर जब इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, रैसेस पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और क्या होता है, खुजली होने लगती है, तो वो चीज़ जो है आपकी एक्जिमा कहलाती है। फिट्स का मतलब आपको पता ही है, जो दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे जो है जनरल टर्म में इसको बोलते हैं। और टिटनेस का मतलब है, वैसे तो हम लोग बोलते हैं जनरली कि अगर कहीं मान लीजिए कोई लोहा कटा हुआ लोहा अगर लग जाता है तो उसकी वजह से टिटनेस हो जाता है, तो टिटनेस की जो है इंजेक्शन लगवाई जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ, देखिए वो तो होता ही है, अब यहाँ पर ये नहीं मतलब है कि हाँ लोहे के लगने से हो जा रहा है, यहाँ पर मतलब ये है कि अगर कहीं भी कोई भी घाव हो गया है, रीजन क्या है ये जरूरी नहीं है कि लोहे की ही वजह से हो, किसी भी वजह से अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपके शरीर में अगर जो है वुंड हो गया है, घाव हो गया है, तो उससे क्या होगा, अगर वो घाव ओपन है, खुला हुआ है, तो उसकी वजह से आपको टिटनेस हो सकता है। इस वजह से कहीं भी अगर चोट लगती है, अगर घाव हो गया है, तो उसको जो है तुरंत ही क्लीन करके तुरंत ही उसको मरहम पट्टी कर देनी चाहिए। ओके, अदरवाइज टिटनेस होने की चांसेस हो सकते हैं। तो सिर्फ लोहा रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, कोई भी घाव हो सकता है और किसी भी चीज से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड यहां पर है कि एक बच्चे की शारीरिक भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है क्या, खेलना या फिर खाना या फिर चिल्लाना या फिर अनुपूरक लेना। अनुपूरक लेने का मतलब है जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स दिए जाते हैं बच्चों को 6 मंथ से, वो अनुपूरक फूड कहलाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि उनके शारीरिक यानी कि फिजिकल भावनात्मक, इसका मतलब है इमोशनल, और बौद्धिक का मतलब है जो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, तो इनको डेवलप करने का काम कौन करता है? तो इसमें जो बेस्ट आंसर है वो है आपका खेलना, इनसे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। अब है थर्ड क्वेश्चन कि कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं? तो कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को हेरिंग बोन बोलते हैं, पश्मीना बोलते हैं, फेरेडा बोलते हैं या फिर कसीदा बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं, सॉरी, कसीदा। जो कसीदा है ये आपकी कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी है। ओके, अब जो ये पश्मीना है ना, ये पश्मीना जो है ये भी आपका कश्मीर का ही है, और इसमें क्या बोलते हैं, ये शॉल का नाम है एक। ओके, तो इस वजह से है तो कश्मीर का ये भी, लेकिन ये एक सॉल का नाम है, तो ये चीज यहाँ पर नहीं होगा। अगर सिर्फ ये बोला जाता कि कश्मीर का इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं तब ये दोनों आ जाते, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर कश्मीर एम्ब्रॉयडरी की नाम का नाम लिया जा रहा है स्पेशली, तो वो कशीदा हो जाएगा। और जो पश्मीना ये भी कश्मीर का ही है, ये एक सॉल का नाम है। ठीक है, पश्मीना। और जो हेरिंग बोन है ये स्टिच होती है और ये दिखती कैसे है, तो इसका पिक्चर, एक मिनट मैं आपको दिखाई देती हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हेरिंग बोन स्टिच ये होता है, ये अच्छा ये जो कसीदा है ना, इसमें जो है ये स्टिच की भी जाती है, हेरिंग बोन स्टिच आपकी
कसीदा जो एम्ब्रॉयडरी है इसमें ये की भी जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए आप, इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ये है, ये पिक्चर आपको दिख रहा है ना, तो ये जो पिक्चर है ये आपका, ये हेरिंग बोन, मतलब जब जो स्टिच ये हेरिंग बोन होती है तो ऐसे ही दिखाई पड़ती है, थोड़ा सा जिग जैग फॉर्म में दिखाई पड़ती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये नाम कैसे पड़ा है, तो अगर हम ये बात करें तो इसका जो हेरिंग बोन है, तो एक फिश है जिसका नाम हेरिंग है, ठीक है, तो उसी हेरिंग फिश का जो कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, वो आपका जो है ऐसे ही होता है, ये जैसा आपको दिख रहा है तो इसी तरीके से होता है उसका शेप, तो इसी वजह से इसको जो है हेरिंग बोन कहते हैं। हेरिंग नाम है फिश का, ठीक है, उसका जो स्केलेटन होता है तो इसी के जैसा होता है जिगजैग फॉर्म में, तो इस वजह से इसको जो है हेरिंग बोन नाम दिया गया है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा दूँ, मैं भी आपको दिखा भी देती, और कोई पिक्चर, चलिए इसमें तो नहीं है, ओके। हाँ, और इसको जो है, जो हेरिंग बोन है यहाँ पर आप देख सकते हो इसको, ये यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये ब्रोकन ट्विल वीव भी इसको बोलते हैं, जो हेरिंग बोन स्टिच है ना इसको ब्रोकन ट्विल वीव भी कहते हैं, और जैसा आप देख रहे हो कि ये जिग जैग फॉर्म में होता है। ओके, चलिए ये हो गया हेरिंग बोन। और कसीदा में भी हेरिंग बोन स्टिच की जाती है, कसीदा में और भी होती है, जैसे कि उल्टी बखिया भी की जाती है और फंदे वाले टांके लगाए जाते हैं, हेरिंग बोन स्टिच तो होती ही है, तो ये भी क्या है, और जो कसीदा कढ़ाई होती है वो दोनों तरफ से एक जैसी दिखाई पड़ती है। ओके, और इसमें क्या होता है, रेशमी वस्त्रों पर रेशम के धागे से कढ़ाई की जाती है, और जो ऊनी वस्त्र होते हैं उन पर रेशम से और ऊनी दोनों ही धागों का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये कसीदा का है। चलिए, अच्छा, और जो कशीदा में जो चित्र बनाए जाते हैं वो ज्यादातर मानव आकृतियां, या फिर हाँ, इसमें कशीदा में जो कश्मीरी कशीदा है उसमें मानव आकृति और पशु इनका चित्रण नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि कशीदा एम्ब्रॉयडरी में मानव आकृति, मनुष्य की कोई आकृति या फिर पशुओं का चित्र नहीं होता है, ठीक, इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं, और फरीडा, तो आई डोंट नो ये क्या होता है, आई थिंक यहाँ पर गलत लिखा है, क्या है अब ये है, सॉरी, ये क्वेश्चन हम तो करा चुके हैं आपको, ये आ गया, ये हमने गिलफोर्ड के मॉडल तो आपको करा ही चुका है, करा दिया है। अब है ये 18 क्वेश्चन कि संचार मॉडल में समाहित है, नहीं ये भी आई थिंक, हाँ ये भी तो हो चुका है, आइए हाँ, अब इसको 24 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताइएगा कि जेवेली वाटर है, जो जेवेली वाटर है इसको ये क्या है, ब्लीचिंग अभिकर्ता है, नील अभिकर्ता है, स्टार्च है, या फिर परिसज्जा है, यानी कि आपका ब्लीचिंग एजेंट है या फिर ब्लूइंग एजेंट है या फिर स्टार्च है, और या फिर परिसज्जा का मतलब है एक फिनिश है, तो बताइएगा जेवेली वाटर ये है क्या। स्पेलिंग इसकी होगी JAVELLE, जावेली वाटर बोलते हैं इसको, तो ये है एक ब्लीचिंग अभिकर्ता, यानी कि ब्लीचिंग एजेंट है एक,
जो जैवली वाटर है। तो ये भी क्वेश्चन आता है ज्यादातर, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैवली वाटर क्या है? एक ब्लीचिंग एजेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है, यानी कि जो होम मैनेजमेंट है उसकी जो प्रोसेस होती है, उसमें कौन सी इसमें से एक प्रोसेस है? भाषण यानी कि लेक्चर हो गया, और या फिर आयोजन, इसका मतलब है कि प्लानिंग, सीखना का मतलब है लर्निंग, और उपरोक्त सभी। तो होम मैनेजमेंट में मुख्य रूप से जो है कि तीन प्रोसेस होती हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और इवैल्यूएटिंग। ठीक है, प्लानिंग का मतलब आयोजन, कंट्रोलिंग का मतलब नियंत्रण, और इवैल्यूएशन का मतलब है मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका, देखिए लेक्चर तो आता नहीं है इसमें, तीनों में आपको नहीं दिखा, ना ही सीखना। इसमें जो इसकी प्रोसेस है, प्रोसेस में आपका प्लानिंग आ जाता है। फिर है कि वैक्यूम क्लीनर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? यहां पर ये सहन नहीं, संवहन है, चूषण, संघनन या फिर वाष्पन। संवहन का मतलब है कंडक्शन, ओके। चूषण का मतलब है सक्शन, संघनन का मतलब है कंडेंसेशन, ओके। और वाष्पन का मतलब है इवोपरेशन। चलिए तो बताइएगा कि इसमें से आपका जो वैक्यूम क्लीनर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ओके, चलिए तो इसका जो राइट आंसर है बता देते हैं हम, वो होगा चूषण यानी कि सक्शन। जिसमें कि वैक्यूम क्लीनर, आपने देखा होगा वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, इसे धूल को साफ करने के लिए कहता है, तो धूप को, सारी धूल को वो अपने अंदर ले लेता है, यानी कि उसको चूस लेता है। ठीक है, सक्शन, इसी के नाम पर ही, इसके काम पर ही इसका नाम पड़ा हुआ है, वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, सारे धूल को अपने अंदर ले लेता है, तो ये इसी सिद्धांत पर काम करता है, सक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। मूल्यांकन की आवश्यकता होती है कब? कार्यक्रम के अंत में होती है, या फिर प्रारंभ में, या फिर कार्यक्रम के दौरान एक बार होती है, या फिर प्रत्येक अवस्था पर। तो इवैल्यूएशन कब किया जाता है? कार्यक्रम की प्रत्येक अवस्था पर इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, हर एक स्टेज पर, क्योंकि देखिए जब तक आपका एक स्टेज सफल नहीं होगा, पहला स्टेज, तब तक आप दूसरे स्टेज की ओर नहीं बढ़ सकते हो। तो अगर पहला स्टेज को आपको पता करना है कि वो सफल हुआ कि नहीं हुआ है जो आपने सोचा था, तो फिर उसके लिए आपको उसका उसका मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, तो इस वजह तरीके से कार्यक्रम के हर एक अवस्था पर मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। अब है रासायनिक रूप से नायलॉन है क्या? रासायनिक रूप से नायलॉन है एक पॉलिस्टर है, पॉलीएमाइड है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक रूप से जो नायलॉन है, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, मैनमेड फाइबर है, तो ये एक पॉलीएमाइड है। फिर है एड्स संचारित होता है कैसे? चूमने के द्वारा, रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, या फिर छूने से, या फिर मच्छर के काटने से। तो एड्स किस तरीके से फैलता है? ये आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। मान लीजिए कि जिस भी किसी एक व्यक्ति को अगर एड्स है, अगर उसका ब्लड किसी दूसरे ब्लड को चढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो फिर उसको एड्स हो सकता है। तो इस तरीके से ना ही चुभने से, और ना ही छूने से, और ना ही मच्छर के काटने से ये फैलता है। फिर है कपास के रेशे की लंबाई होती है कितनी? 5 से 6 इंच, 4 से 5, या फिर 1.5 से 2, या फिर 6 से 7। तो आपको पता है जो कपास है, कपास का मतलब है कॉटन, तो जो कॉटन फाइबर्स होते हैं वो एक स्टेपल फाइबर हैं। ठीक है, जिनकी की लंबाई जो होती है छो कम होती है। स्टेबल फाइबर का मतलब है जिनकी लेंथ कम होती है। ठीक है, फिलामेंट का मतलब है जिनके रेशे लंबे होते हैं, और स्टेबल का मतलब है जिनके रेशे छोटे होते हैं। तो इनकी जो लंबाई होती है वो 1.5 से 2 इंच होती है, कपास के रेशे की लंबाई, ओके, 1.5 से 2 इंच। चलिए तो ये हो गया। अब हम आते हैं ब्लड